इसका नाम है iPhone 14 Pro Max। तो ये है iPhone 14 Pro Max। नमस्ते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋत्विक एंड फैमिली। आई रियली होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं फाइनली जा रही हूँ अपना न्यू मोबाइल फोन लेने के लिए और इसका नाम है iPhone 14 Pro Max। ना मुझे फोन चेंज करना था क्योंकि मेरे फोन में प्रॉब्लम आ रही थी और कब से सोच रहे थे चेंज करना है। और आज चेंज करने का मेन रीजन ये है क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है। सो आप लोगों को सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं। इस फोन के लिए ना बहुत वेट करना पड़ा, बहुत परेशान हुए हम लोग। मीन्स फाइनली डिलीवरी हो रही है और आज हम लोग फोन लेने जा रहे हैं, तो मैं और हस्बैंड जी जा रहे हैं, तो ही इज ड्राइविंग। परेशान इसलिए हुए क्योंकि ये फोन अवेलेबल नहीं है यहाँ। और मुझे ना व्हाइट कलर चाहिए था, मुझे और कोई कलर पसंद नहीं आते। सो फाइनली मुझे व्हाइट कलर भी मिल रहा है एंड फोन भी अवेलेबल हो गया है। तो चले चलते हैं सीधा शॉप में और देखते हैं कैसा रहता है। और इससे पहले ना हमने आज तक कोई भी आईफोन वगैरह यूज नहीं करा, हमने सिर्फ एंड्रॉइड फोन यूज करा, तो ये हमारा लाइफ का फर्स्ट आईफोन होने वाला है। तो चलिए, हालांकि iPhone 14 Pro Max अभी तक तो लेटेस्ट है, लेकिन सितंबर में न्यू आ जाएगा इसकी सीरीज, iPhone 15 आ जाएगा। बट हमें अर्जेंटली चाहिए क्योंकि ना मेरे फोन में प्रॉब्लम हो रही है और मुझे ब्लॉगिंग करनी होती है, सो इसलिए लेने जा रहे हैं। आजकल रामनगर के रास्ते में ना आपको बहुत सारे ठेले दिखाई देंगे लीची के, क्योंकि यहाँ पे आजकल लीची हो रही है। हालांकि लीची मई में हो जाती थी, लेकिन इस बार ना बारिश इतनी हो रही है, गर्मी कम हो रही थी, तो इस वजह से इस टाइम पे यानी कि जून में लीची देखने को मिल रही है और आम पता नहीं कब दिखाई देंगे। तो हम लोग रामनगर में एंटर कर चुके हैं और बस पहुंचने वाले हैं शॉप में, और बाकी सारी डिटेल ना मैं आपको घर जाके बताऊंगी। अभी ना जल्दी जल्दी में है, आधी सोया तो मैं आधी को लेकर नहीं आई हूँ। सो और रिद्धि नहीं आई क्योंकि उसको पता है मोबाइल शॉप में टाइम बहुत लगता है और वो बोर हो जाती है, इसलिए वो नहीं आई। सो फ्रेंड्स, फाइनली पहुंच चुके हैं मोबाइल शॉप में और चलते हैं सीधा अंदर और लेके आते हैं फोन। तो ये है iPhone 14 Pro Max। तो फाइनली अनबॉक्सिंग हो रही है iPhone 14 Pro Max की। के साथ ये USB केबल। सो फ्रेंड्स, फाइनली आ चुके हैं घर पे और मेरे हाथ में आ चुका है ये आईफोन। एंड मैंने व्हाइट कलर में लिया क्योंकि व्हाइट कलर मेरा फेवरेट कलर है। जो मेरे पास इससे पहले वाला फोन है जिससे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, वो भी व्हाइट कलर में है एंड ये भी व्हाइट कलर में लिया है। सो ये आ चुका है। इसका ये है 256 GB का, क्योंकि मुझे स्टोरेज ज्यादा चाहिए था। और मेरे इस वाले फोन में प्रॉब्लम क्या आ रही थी क्योंकि ये ना बहुत जल्दी ओवरहीटिंग हो रहा था और मैं पिछले 1.5 साल से इसको ऐसे ही यूज कर रही थी और इसी से मैंने अपना चैनल भी मोनेटाइज किया है। तो मेरे पास जो फोन है इसका नाम है Xiaomi Mi 11 Lite, सबसे लाइट फोन था और अब ये आ चुका है मेरे पास। तो ये थोड़ा सा हैवी फोन है तो, लेकिन बहुत अच्छा है, कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये तो बताने की जरूरत है नहीं मुझे लगता है, क्योंकि एप्पल के बारे में सब लोग जानते हैं। और तो चलिए, मुझे इस फोन के साथ मिला है फ्री में, जो मुझे शॉपकीपर ने दिया, एक तो स्क्रीन गार्ड इसको टेम्पर कहते हैं, और ये कवर दिया है बैक कवर। और मोबाइल के साथ तो हमें ये मिलता है, क्या कहते हैं इसको, USB केबल आई थिंक, और अडेप्टर। ये हमें अलग से परचेज करना पड़ा था, ये ओरिजिनल है, ये आई थिंक 2000 की रेंज का है, थोड़ा सा 100-200 रुपये कम करे होंगे उन्होंने। तो इस टाइप से है कुछ, ये ना छोटा सा अडेप्टर, तो ये हमने परचेज किया है अलग से। और तो आ चुका है मेरे पास ये, अब इसी से वीडियो शूट करूंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी मेरे पास कुछ जो पेंडिंग वीडियोस हैं वो आपको आएंगी इसी वाले फोन से, और मैं अपनी होम टाउन अभी जब गांव जाएंगे ना तो इससे वीडियो शूट करूंगी और उसको डालूंगी। जब तक मुझे इसको समझना भी तो है, समझूंगी क्योंकि आज तक आईफोन तो कभी यूज करा ही नहीं है इसलिए। सो आधी को भी दिखाती हूँ, आधी कम
आज ही बताएगा कौन सा फोन है ये। आईफोन। इसको बच्चों ने टच नहीं करना ना, टच नहीं करना ना इस फोन को। आदि और रिद्धि को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि ये फोन को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे, कितना महंगा फोन है। इसलिए तो आप जा रहे हो प्ले करने बाहर, गो बाहर जाओ खेल खेल करने। शक्ल कैसे कर दी बाहर खेल खेल के, बस दूध पीने आया था ये, गो। सो आप बात करते हैं चैनल मोनेटाइजेशन को लेकर, जिस वजह से मुझे लगा कि आप मुझे थोड़ा सा अपग्रेड करने की जरूरत भी है। तो चैनल फाइनली मोनेटाइज हो चुका है बहुत टाइम के बाद, एंड मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था अगस्त 2021 में, जब रिद्धि और आदि का फर्स्ट रक्षाबंधन था। मुझे वो सीन कैप्चर करना था, इसलिए मैंने यूट्यूब के सहारे ही इस सीन को कैप्चर करा। तो उसी दिन से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी। मैंने नहीं, मीन्स रिद्धि है, क्योंकि चैनल मैंने रिद्धि और आदि के लिए बनाया था, इसलिए चैनल का नाम रखा था मैंने रिद्विक। एंड बाद मैं भी इन्वॉल्व मुझे होना पड़ा, क्योंकि रिद्धि के स्कूल ओपन हो गए थे और मैं नहीं चाहती थी कि मैं रिद्धि को भी डिस्टर्ब करूं बाद में। सो मुझे भी व्लॉगिंग में आना पड़ा, जबकि मुझे व्लॉगिंग के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी कि क्या होता है कैसे करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करते करते मुझे नॉलेज होती रही और आगे भी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ और इम्प्रूवमेंट चलता रहेगा। कमेंट के थ्रू आप लोग भी मुझे सजेशंस दे सकते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों का बहुत सपोर्ट है, भगवान की कृपा है और मेरे हस्बैंड का तो साथ है ही है। सो उन्हीं के सपोर्ट के वजह से एंड फैमिली में दीदी हैं, इस वजह से मैं शायद व्लॉगिंग कर पा रही हूँ, क्योंकि वरना एक घर में दो बच्चों को हैंडल करना ना और उसके साथ साथ व्लॉगिंग करना इम्पॉसिबल है। तो दीदी है, इस वजह से शायद मैं व्लॉगिंग की लाइफ में भी आ चुकी हूँ और इतना आगे बढ़ चुकी हूँ कि मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है। सो आगे भी आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज मिलती रहेंगी। सो फिलहाल तो खुशी इस बात की कि ये आ चुका है साथ में, सो इससे ना बहुत ज्यादा आपको भी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होगा। हाँ, लेकिन अभी कुछ दिन मैं शायद माइक यूज ना कर पाऊँ, क्योंकि मुझे ना वो ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा और इसमें जो मेरा माइक का कनेक्टर था वो इसमें कनेक्ट नहीं हो पाएगा। वीडियो क्वालिटी आपको अच्छी आएगी जब मैं गाँव का वीडियो शूट करूंगी तब। फिलहाल कुछ वीडियोस जो मेरे पास पेंडिंग पड़ी हैं फोन में आपको अपलोड करके दूंगी इसी वाले फोन से। उसके बाद जब तक मैं इसके सारे फीचर्स समझ लेती हूँ कि कैसा कैसे है ये, क्योंकि काफी डिफरेंस है एंड्रॉयड और आईफोन्स में, तो चलिए देखेंगे कैसा कैसा रहता है। सो आज के ब्लॉग में स्पेशल यही था कि मुझे आपको ये दिखाना था कि मैंने फाइनली परचेज कर लिया है आईफोन 14 प्रो मैक्स। सो आपको कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और आगे भी मैं चाहती हूँ कि और इम्प्रूवमेंट करूँ और आपका सपोर्ट रहे, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। तो चलिए ये वाला ब्लॉग भी यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए मिलते हैं न्यू अच्छे अच्छे ब्लॉग्स में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।